गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल मेरा नाम अंशुल है चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी आज निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग देखी इमीडिएट एक स्ट्रॉन्ग एक सेल ऑफ आया था एक क्रैश आया था जहाँ पे लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस का लो ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आया पर कहीं ना कहीं जो हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि जहाँ से एक प्रीवियस सेशन में एक रैली आया था ट्वेंटी के पास इसी लेवल पर एक सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी ने आज एक रिवर्सल दिया इस लेवल का सपोर्ट लेके इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखने को मिला जहाँ पे जो स्टार्टिंग का फॉल था ये पूरा रिकवर होता हुआ कहीं ना कहीं ट्वेंटी टू वन हंड्रेड के पास क्लोजिंग दिया है अगर हम निफ्टी का वॉय देखते हैं तो ट्वेंटी टू वन हंड्रेड पर कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है और इमिडिएटली जो ट्वेंटी टू थाउजेंड का जो राउंड लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है विथ स्ट्रॉग पुट राइटिंग अपसाइड में देखते हैं तो ट्वेंटी टू टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है इवन एट हायर स्ट्राइक्स एवरी हंड्रेड पॉइंट स्ट्राइक पे अच्छा खासा कॉल रेटिंग के साथ एक रेजिस्टेंस लेवल्स देखने को मिल रहा है अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो क्लोजिंग रेंज है और ये जो स्विंग लो है ट्वेंटी वन नाइन हंड्रेड के पास ये रेंज एक वॉलर रेंज बन जाएगा निफ्टी के लिए अगर इसके अंदर खुल के ऊपर के डायरेक्शन में जाता है जो ट्वेंटी टू टू हंड्रेड के पास एक कॉल रेटिंग जो था ये लेवल एक माइनर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा इसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्वेंटी टू थ्री फिफ्टी और ट्वेंटी टू फोर फिफ्टी के पास एक अगले रेजिस्टेंसिस देखने को मिल रहा है अगर निफ्टी में गैप गैपऑप ओपनिंग आता है तो ये रेंज एक वॉलरटाइल रेंज बन जाएगा निफ्टी के लिए अगर ये हाई तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड का जो राउंड लेवल है ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस जोन की तरह बिहेव करेगा अगर निफ्टी में फ्लैट खुल के नीचे के डायरेक्शन में आता है तो कहीं ना कहीं आज का जो इंट्राडे लो है यही एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा जहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर गैप डाउन खुलता है तो ये रेंज से एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में गैप क्लोज करने के लिए जा सकता है अगर नीचे के साइड आता है ट्वेंटी अगला सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं बैंक निफ्टी में भी सुबह फ्लैट खुल के इमिडियटली एक क्रैश देखने को मिला था पर जो फोर्टी सेवन थाउजेंड का राउंड लेवल था जहां पे एक मैक्सिमम पुट रेडिंग देखने को मिला था यही लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में रैली किया और जो ऊपर के साइड रेजिस्टेंस था फोर्टी सेवन एट हंड्रेड का जहाँ पे कॉल राइटर्स का डोमिनेशन था यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दिया है अगर हम ओआई है देखते हैं तो फोटी एट थाउजेंड पर एक स्ट्रॉन्ग कॉल रेटिंग के साथ एक मेजर राउंड लेवल रेजिस्टेंस दिख रहा है डाउन साइड पर फोटी सेवन एट हंड्रेड पर अभी कॉल डोमिनेशन थोड़ा कम हुआ है और स्लोली पुट राइटर्स का डोमिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है डाउन साइड पर फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड और फोर्टी सेवन थाउजेंड का जो राउंड लेवल्स है ये लेवल पे मैक्सिमम फूट ट्रेडिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तरह दिख रहा है अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं जो आज का क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल है फोर्टी सेवन एट हंड्रेड का और ये कहीं ना कहीं फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड का जो राउंड लेवल है ये रेंज एक वॉलेटाइल रेंज बन जाएगा बैंक निफ्टी के लिए अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में खुल के ऊपर के डायरेक्शन में जाता है तो डायरेक्टली फोर्टी एट थाउजेंड के पास एक अगला रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल है जो एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस ले सकता है अगर नीचे की साइड आता है तो इमीडिएटली फोर्टी सेवन टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड के पास एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से एक शार्प कैंडल देखने को मिला था तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा एक मेजर डिमांड जोन फोर्टी सेवन थाउजेंड का राउंड लेवल करेगा अगर बैंक निफ्टी में गैप उप ऑफ ओपनिंग आता है तो कहीं ना कहीं फोर्टी एट थाउजेंड से लेकर फोर्टी सेवन एट हंड्रेड तक एक वॉलेटाइल जोन देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं फोर्टी एट थ्री हंड्रेड के पास एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर फोर्टी एट फाइव हंड्रेड के पास एक राउंड लेवल रेजिस्टेंस है मेजर रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी फेस कर सकता है वो कहीं ना कहीं फोर्टी नाइन थाउजेंड का जो राउंड लेवल है ये लेवल एक मेजर रजिस्टेंट जैसे बिहेव करेगा जहाँ से एक शार्प क्रैश देखने को मिला था अगर बैंक निफ्टी में नीचे के साइड गैप डाउन खुलता है तो 47,000 एक मेजर डिमांड जोन की तरह काम करेगा जहाँ से एक रिवर्सल ले सकते हैं या फिर एक सपोर्ट लेता हुआ ऊपर के डायरेक्शन में सुबह से ही एक रैली कर सकता है तो ये होगा हमारा एनालिसिस कल के लिए थैंक यू